हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, आज मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए इस नए साल में, ऐसी मैं प्रे करता हूं। तो गाइस, आज मैं आपको पुनपुन बांध से लेकर बेउर तक जो सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है उसका अपडेट दिखाने वाला हूं। तो अभी मैं पटना गया रोड पर हूं और ये रोड आगे आपको गया की तरफ निकल जाएगा, बट यहाँ से आपको राइट मुड़कर नेवा पुनपुन मार्ग पर चले आना है और यही रोड आपको पुनपुन हॉल्ट क्रॉस करके पुनपुन बांध तक लेकर जाएगी। और इसी नेवा पुनपुन रोड पर आपको पटना बेउर के तरफ जाने के लिए जो नए रास्ते का निर्माण करवाया जा रहा है वहां तक लेकर जाएगी। और गाइज, यहां आप ये पुनपुन हॉल्ट देख सकते हैं, इसे क्रॉस करके आपको करीब हाफ किलोमीटर आगे जाने के बाद वो रोड मिल जाएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि राजधानी पटना के विस्तार के लिए जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है उसका ये एक अहम हिस्सा है और इसे पटना के बेउर से NH-30 के पास हसनपुर गांव और जयप्रकाश नगर होते हुए यहां पुनपुन बांध तक सड़क बनाया जा रहा है। चलिए, इसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप यहां देख लीजिए, ये रहा पुनपुन नदी। यहां पानी काफी कम है लेकिन बरसात के टाइम इसका वाटर लेवल काफी बढ़ जाता है। तो गाइज, इधर राइट साइड ये रहा वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी रोड से होते हुए आप पटना के बेउर की तरफ निकल जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ रोड के कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा पूरा कर लिया गया है और यहाँ इस तरह के छोटे छोटे कई पुलिये हैं जिसका निर्माण कराया गया है इस पूरे मार्ग पर। और गाइज, आप देख सकते हैं अभी इस रोड पर GSB लेयर का काम कर लिया गया है और अब इस पर WBM की लेयर बिछाई जाएगी और फिर इस रोड पर रोड रोलर के थ्रू इसे कंप्रेस करने के बाद इस पर पिचिंग का काम किया जाएगा। और गाइज, यहाँ GSB लेयर बिछाने का काम काफी दूर तक पूरा हो चुका है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को दो फेज में पूरा किया जाना है। इसमें करीब 3.5 किलोमीटर वाले हिस्से बेउर मोड़ से लेकर हसनपुर होते हुए जयप्रकाश नगर तक बनाया जाएगा और सेकेंड फेज में जो काम आप देख रहे हैं इसे यहाँ पुनपुन बांध से लेकर जयप्रकाश नगर तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी। और गाइज, यहाँ रोड के दोनों तरफ इसे कोरा गया है, आई थिंक यहाँ ड्रेनेज का काम होना है। और मैं आपको बता दूं कि ये सड़क कुछ कुछ जगहों पर 4 लेन और ज़्यादातर जगहों पर ये 2 लेन की होगी, जिसकी चौड़ाई 30 से 35 फीट की होगी। और इन दोनों फेज के कंप्लीट होने से इस एरिया में रह रहे लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पटना के आउटर को बाईपास होते हुए राजधानी के सभी हिस्सों से जोड़ने के लिए इन सड़कों को बनाया जा रहा है। और गाइज, इन दोनों फेज के निर्माण के लिए 2 कंपनियों को टेंडर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट फेज का काम सनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा रही है। वहीं जयप्रकाश नगर से लेकर पुनपुन बांध तक का ये हिस्सा अमहारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा रही है और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 38 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। और गाइज, यहां आप देख सकते हैं DAV पब्लिक स्कूल के पास आपको WBM लेयर बिछाने का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से ये आगे काम बहुत हद तक पूरा कर लिया गया है। यहाँ ये रहा DAV पब्लिक स्कूल और अब आपको यहाँ से इस रोड पर रोड रोलर चलता हुआ भी देखने को मिल जाएगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, इस सड़क के बनने से काफ़ी बड़े इलाकों में रह रहे लोगों को सीधा फायदा होगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज की तो इसके अंदर महावीर कॉलोनी, गंगा बिहार कॉलोनी, बेउर गांव, हसनपुर गांव और जयप्रकाश नगर में रह रहे करीब 2 लाख से ज़्यादा आबादी इसके अंदर आएगी। वहीं सेकेंड फेज में ब्रह्मपुर, कुरकुरी, चिलबिल्ली, अलीपुर, गंजपर और पुनपुन तक के इलाकों में रहने वाले लोगों को ये सड़क सीधा शहर से जोड़ेगी। और गाइज, अभी मैं गंजपर पलंग गांव में हूं और इधर काफ़ी बड़ी आबादी में लोग रहते हैं और ये सड़क इधर से होते हुए भी निकलेगी। और आप देख सकते हैं यहां से आगे सड़क का कंडीशन काफ़ी पहले से ही ठीक है और अभी ड्रेनेज का काम चल रहा है और इधर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ अलीपुर के तरफ भी आपको ड्रेनेज का काम देखने को मिल जाएगा। अभी इधर आप देख सकते हैं ये जो ड्रेनेज
है उसे बनाया जा रहा है और वो यहाँ तक पहुँच चुका है। और यहाँ से आगे कुरकुरी ब्रह्मपुर तक आपको ऐसे ही सड़क देखने को मिलेगी। और गाइज उधर बेउर के तरफ से 3.5 किलोमीटर वाले हिस्से पर ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। तो गाइज जल्द ही मैं इस पर एक फुल वीडियो बनाऊंगा बेउर से लेकर हसनपुर जयप्रकाश नगर तक। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस पुनपुन टू बेउर तक बनाए जा रहे इस रोड का अपडेट पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए जगह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।